हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर। बहुत प्यारा सा एक ऐसा घर है एंड आज मैं अपना चेस्ट वर्कआउट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग वार्म अप के साथ। वार्म अप में हम लोग अपने शोल्डर्स को काफ़ी अच्छे से फ्री कर लेंगे एंड चेस्ट को भी काफ़ी अच्छे से फ्री कर लेंगे। तो एक एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे जो कि है पेक टेक फ्लाई, जो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हम लोग अपना जो मेन चेस्ट का प्रेसिंग मूवमेंट्स है, बेंचिंग मूवमेंट्स है, वो स्टार्ट करेंगे। इसका हम लोग 2 से 3 सेट करेंगे, फेलियर तक जाएंगे जितना हो सके, जिससे कि हमारा चेस्ट काफ़ी अच्छे से एंगेज हो जाए। तो अभी हम लोग अपना बेंचिंग को स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग का फर्स्ट बेंचिंग मूवमेंट रहेगा इंक्लाइन, तो हम लोग इंक्लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लैट बेंच मारेंगे एंड आगे का हम लोग आपको बताते हैं। चलो सो इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसको इजी रखना है, वेट को फील करते हुए नीचे लाना है एंड ऊपर एक हार्ड पुश करना है। इसका हम लोग करेंगे 3 से 4 सेट्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स जितना आप लगा सकते हो। फेलियर तक हमको जाना है। सो या दैट्स ऑल। तो अपना इंक्लाइन बेंच प्रेस जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम लोग अपना मेन कंपाउंड मूवमेंट करेंगे जो कि है फ्लैट बेंच प्रेस। तो चलो चलते हैं, फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं। चलो सो फ्लैट बेंच प्रेस, इसको भी हम लोग को इजी रखना है, वेट को फील करते हुए नीचे लाना है एंड ऊपर एक हार्ड पुश करना है। इसमें आप रॉड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली रॉड का यूज़ प्रिफर करता हूँ। तो इसका हम लोग को 4 से 5 सेट्स करना है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स जितना हो सके अपने आप को पुश करना है एंड फेलियर तक जाना है। इसमें आप जितना हैवी हो सके जा सकते हैं। तो या दैट्स द थिंग। सो अभी हम लोग अपना लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि लोअर चेस्ट के लिए है, केबल क्रॉसओवर करेंगे। तो चलो गाइस, अभी हम लोग को हमारे प्यारे मित्र जी डेमो दिखाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल चेस्ट का मूवमेंट रहेगा केवल क्रॉसओवर। इससे हमारा जो लोअर चेस्ट है वो अच्छे से टारगेट होगा। नीचे लाते वक्त बहुत अच्छे से फील करते हुए स्क्वीज करना है एंड पीछे जाते वक्त धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करना है। तो इसको हम लोग 3 से 4 सेट रखने का ट्राई करेंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स लगाना है जिससे कि हम अच्छे से फील कर पाए अपने चेस्ट को। तो इसमें बहुत अच्छे से नीचे लाते वक्त स्क्वीज़ करना है। सो या दैट्स ऑल फॉर द चेस्ट। सो इसके बाद हम लोग पुशअप्स के 2 से 3 सेट लगाते हैं। इसके बाद पुशअप करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो आप लोग 10 से 12 रेप्स का ट्राई कीजिए एंड पुशअप्स लगाइए, नॉर्मल पुशअप्स जो होता है, तो उससे आपका चेस्ट काफ़ी अच्छा स्क्वीज़ हो जाएगा एंड आपको काफ़ी अच्छे से फील होगा। इन दी एंड आपको चेस्ट को स्क्वीज़ करते हुए फ्लेक्स करना है 5 से 10 सेकेंड एंड देन आपको रिलैक्स करना है।
फिर हम लोग मूव करेंगे, हम लोग का जो सेकेंड बॉडी पार्ट है चेस्ट के साथ ट्रेन करने वाला वो रहेगा हम लोग का ट्राइसेप। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा चेस्ट वर्कआउट खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा ट्राइसेप में, एंड ट्राइसेप्स का जो लैटरल हेड है उसको हम लोग पहले हिट करेंगे, जो ये वाला पार्ट होता है जिस जो हमारा ट्राइसेप का मेन थिकनेस को दिखाता है। तो पहले हम लोग उसको ट्रेन करेंगे, सिंपल सा रॉड से हम लोग पुश डाउन करेंगे। सिंपल मूवमेंट है, एल्बो को स्टिफ रखना है और पुश डाउन करना है। तो चलो दिखाते हैं आपको ट्राइसेप एक्सटेंशन। सो ये बहुत ही इजी मूवमेंट है, आप इसको रोप से कर सकते हैं, रॉड से कर सकते हैं, या फिर एक वी टाइप का बार आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से फील करते हुए नीचे होल्ड करना है 1 से 2 सेकेंड, एंड ऊपर आते वक्त आराम से लेके आना है, एल्बो को स्टिफ रखना है, एंड नीचे लेके जाइए, होल्ड कीजिए, एंड आपका ये जो ट्राइसेप का थिकनेस है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा देगा। सो ये रहता है मेरा मेन मूवमेंट ट्राइसेप के लिए, एंड इसके बाद और भी एक्सरसाइज रहते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्राइसेप का एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा फ्लैट ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि हम लोग बारबेल से या तो रॉड से कर सकते हैं। मैं इस केस में बारबेल से कर रहा हूँ क्योंकि उससे मेरे को ज़्यादा प्रेशर फील होता है। आप चाहे तो डंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको एल्बो स्टिफ रखना है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। तो चलो देखते हैं। सो फ्लैट बेंच बारबेल एक्सटेंशन ये हम लोग डंबल से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका हम लोग 3 से 4 सेट करेंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स जाएंगे, फेलियर तक जाएंगे, एंड हम लोग को एल्बोस को स्टिफ रखना है एंड क्लोज टू बॉडी रखना है, जिससे कि हमारा जो लॉन्ग हेड है वो काफ़ी अच्छे से फील होगा एंड ट्रेन होगा। तो या दैट्स द थिंग। सो हमारा लास्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज जो रहेगा वो रहेगा ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि हम लोग रोप का यूज़ करके करेंगे। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, बाकी दो जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। एंड ये जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने बताया इसको मैं चेंज करते रहता हूँ। ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन जो कि हम रोप के यूज से करेंगे, हम लोग एट द टॉप पॉइंट स्क्वीज करेंगे हम लोग का मीडियल हेड को, एंड हम लोग वहाँ पे होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकेंड्स, एंड हम लोग का मीडियल हेड को काफ़ी अच्छे से फील करेंगे एंड स्क्वीज करेंगे। तो ये हम लोग 3 सेट करेंगे इसके, एंड फेलियर तक जाएंगे। सो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज रहेगा ट्राइसेप्स का। सो इसी से हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप का सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वो जो घंटा का बटन है उसको भी दबा लीजिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको किसी और दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, पीस।